हैदराबाद में डे नाइट क्रिकेट मैच के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा, खेलते खेलते गेंदबाज की गई जान। 25 साल के मध्यम गति के गेंदबाज एंथनी कर रहे ओवर, दो गेंद फेंकने के बाद तीसरी गेंद करते वक्त रनअप के दौरान आया हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत। औरंगाबाद में हादसे की दर्दनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद, एक बेकाबू कार ने दो बाइक सवारों को मारी टक्कर। कार की तेज टक्कर के बाद एक बाइक सवार की हुई मौत, दो गंभीर रूप से घायल। विशाखापट्टनम में एक शख्स ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर एक शख्स के लिए जान, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। योगीराज में जल उठा यूपी का शहर कासगंज, धारा 144 के बीच आज भी हिंसा जारी, उपद्रवियों ने फूंकी बस। कासगंज में कल तिरंगा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, थमने का नाम नहीं ले रही नाम, आज भी आगजनी के साथ उपद्रवियों ने किया पथराव। कल तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में भड़की हिंसा में 16 साल के लड़के की हुई थी हत्या, घर वालों का अंतिम संस्कार से इनकार। मृतक चंदन के परिजनों ने की उसे शहीद का दर्जा देने की मांग, हत्या पर शुरू हुई सियासत, जुटे इलाके के नेता। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू, पुलिस आरएएफ और पीएसी जवानों की तैनाती। मृतक चंदन के परिवार में पसरा माधव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कासगंज हिंसा के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, विकास कार्यों का फीडबैक देंगे योगी, रात 8 बजे तय है मुलाकात का वक्त। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 सांसदों और करीब 24 बीजेपी विधायकों से करेंगे मुलाकात, दोपहर 3 बजे होगी मीटिंग। सीएम योगी के सेना युवा वाहिनी के संगठन मंत्री के विवादित बोल, लव जिहाद पर दिया बयान, कहा अल्पसंख्यक एक हिंदू लड़की से करें शादी तो तुम 10 अल्पसंख्यक महिलाओं से रचा गया। अलीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले गए जुलूस में हर्ष फायरिंग, कई लोग हुए जख्मी। गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके से कारोबारी अगवा, अपराधियों ने करोड़ रुपए मांगी फिरौती। मुरादाबाद में बड़े कारोबारी की खूनी साजिश, 3 पत्नियों में से दूसरी को गोलियों से खूना। कानपुर में नरेंद्र मोहन सेतु पर तेज रफ्तारी को स्पोर्ट्स ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद पलटी इको स्पोर्ट्स, कुछ लोग घायल भी हुए। आईपीएल सीजन 11 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खोला खजाना, बेन स्टॉक्स पर लगाया बड़ा दाव। राजस्थान रॉयल्स ने इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टॉक्स को 12.5 करोड़ में खरीदा। राजस्थान रॉयल्स ने अजिंक्य रहाणे को रखा बरकरार, राइट टू मैच कार्ड के जरिए रहाणे को महज 4 करोड़ में खरीदा। आईपीएल सीजन 11 में 7 करोड़ 60 लाख में बिके आर अश्विन, प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा। शिखर धवन को सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने रखा बरकरार, 5 करोड़ 20 लाख में बिके धवन। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक को शाहरुख की टीम केकेआर ने 9 करोड़ 40 लाख में खरीदा। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को मुंबई इंडियंस ने खरीदा, 5 करोड़ 40 लाख में बिके पोलार्ड। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल 9 करोड़ में बिके, दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा। 2 करोड़ में बिके दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह, किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 प्राइस पर खरीदा। किंग्स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल पर लगाई बड़ी बोली, 11 करोड़ रुपए में खरीदा। सीरीज के आखिरी टेस्ट में जीम इंडिया की पेस बैटरी के आगे दक्षिण अफ्रीका के दांत कटे, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज जोहान्सबर्ग में वक्त पर शुरू होगा खेल, आईसीसी ने देर रात किया ऐलान। आईसीसी ने कहा दोनों अंपायर पिच के बर्ताव पर रखेंगे कड़ी नजर, अगर पिच और खराब हुई तो रेफरी से बात कर लिया जाएगा फैसला। दक्षिण अफ्रीका के ओपनर डीन एल्गर को चोट लगने के बाद 19 मिनट पहले रोक दिया गया था खेल, असमान उछाल की वजह से कल कई बार रुका मैच।
जोहान्सबर्ग में दिलचस्प मोड़ पर तीसरा टेस्ट। भारत ने मेजबानों को दिया 240 रनों का टारगेट। मुश्किल पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया पराक्रम। दूसरी पारी में बनाए 247 रन। कोहली ने बनाया शानदार 41 रन। रहाणे 48। गणतंत्र दिवस के परेड में राहुल गांधी के बैठने की पंक्ति को लेकर गरमाया विवाद। राजपथ पर चौथी पंक्ति में बैठे राहुल गांधी को उठाकर छठी पंक्ति में भेजा गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल को छठी पंक्ति में भेजने पर जताई आपत्ति। इसे मोदी सरकार का अहंकार करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी पर तंज पर विवाद को दी और हवा। कहा वीवीआईपी दीर्घा में बैठने लायक ही नहीं राहुल, लेकिन उन्हें मिली जगह। राजपथ परेड में राहुल गांधी के बैठने को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। सुरक्षा वजहों से एसपीजी की सिफारिश पर चौथी से छठी पंक्ति में दी गई थी। कर्नाटक बीजेपी ने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या पर जारी किया वीडियो। कहा राज्य में आने से पहले देख ले राहुल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीषण सड़क हादसा। गणपति पुले मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस नदी में गिरी, 11 की मौत। बैरिकेड तोड़कर नदी में गिरी बस। रात करीब 12 बजे हुआ दर्दनाक हादसा। क्रेन से बस को निकाला गया। दिल्ली में एक बार फिर सीनियर सिटीजन की हत्या। शालीमार बाग में 72 साल की बुजुर्ग महिला का गला रेता। महिला के घर प्लंबर बनकर आए युवक पर गहराया शक। सीसीटीवी में कैद आरोपी युवक की तस्वीर। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर। 5 दिन पहले जेल परिसर में घुसकर सिपाही को मारी थी गोली। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से खुफिया एजेंसीज ने 2 सोना तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 किलो गोल्ड भी बरामद। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली तक दौड़ी दुनिया की सबसे पुरानी स्टीव लोकोमोटिव फेरी क्वीन। रेल राज्य मंत्री राजेन गोहैन ने की सवारी। 73वें गणतंत्र दिवस पर एलजी के कर सलाम मुहिम की शुरुआत। जवानों तक पहुंचाए जाएंगे लोगों के शुभकामना संदेश। हमारे लिए जो जागते हैं और हम सोते हैं चैन से, जो हमारे लिए शहीद हुए उनके लिए हम एक छोटी सी मुहिम हमने बनाई कर सलाम। हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर उन्हें सिर्फ विश करें। चेन्नई में एमबीए की पढ़ाई कर चुकी ममता कटारिया बनी जैन साध्वी। का सब कुछ खुशी और शांति के लिए किया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।